आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चुनावी दौर है, ऐसे में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस और उसके अध्यक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि राहुल दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले राजनेता है। वो घबराकर अमेठी से वायनाड भागे हैं। जिस सेनापति को अपनी जीत पर भरोसा नहीं है उसकी सेना और सिपाहियों को कितना भरोसा होगा, यह समझा जा सकता है। बिहार दौरे पर आए शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में कहा कि राहुल गांधी एनडीए के खिलाफ महागठबंधन की तो बात करते हैं, लेकिन महागठबंधन है कहां? पूरे देश में महागठबंधन के नाम पर बात तो की, लेकिन राज्यों में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से भी गठबंधन नहीं कर पाई है। यूपी में सपा बसपा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली में आम आदमी, केरल में सीपीएम से अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है। राजद कांग्रेस के गठबंधन में भी बड़े भाई की तीखी नजर है। एक गीत सुनाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में गठबंधन नहीं ठगबंधन है। चुनाव तीन मुद्दों पर हो रहा है, पहला नेतृत्व, दूसरा विकास और तीसरा जन कल्याणकारी योजनाएं। इन तीनों बिंदुओं पर पीएम मोदी के आगे राहुल कांग्रेस पूरी तरह फेल है। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी से भाजपा समय समय पर मार्गदर्शन लेती रही है, उनको लेकर राहुल जैसे आदमी ही घटिया शब्द बोल सकते हैं। पत्रकार वार्ता में राहुल गांधी के दो वीडियो दिखाए। इधर दरभंगा में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास हो रहा है, मोदी तो मुमकिन है, चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनाव अपने चरम की ओर बढ़ने लगा है, स्टार प्रचारकों के तूफानी दौरे शुरू हो गए हैं। 15 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, वो भागलपुर में चुनावी सभा करेंगे। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।